नमस्कार, मैं अमित शर्मा स्वागत करता हूं आपके आरसीआई के नवशिखर चैनल पर, जिसमें कि हम अपने लाइव टेली कॉन्फ्रेंसिंग प्रोग्राम में आपका रोज एक नए टॉपिक से, एक नए सब्जेक्ट से रूबरू कराते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं आउटरीच एक्टिविटीज में, जिसमें कि अगर मोबिलिटी की प्रॉब्लम किसी डिसेबल्ड पर्सन को होती है तो उसको हॉस्पिटल तक पहुंचने की प्रॉब्लम से दूर करके, उसको इस असुविधा से बचाते हुए हम उसके घर के आसपास इस तरह का एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं जहां पर कि वह अपनी सर्विसेज को ले सकता है। इस सब्जेक्ट पर अपनी एक्सपर्ट नॉलेज के साथ में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर आर के बाधवा जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। दोस्तों, इसके पहले कि हम चर्चा को आगे बढ़ाएं, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इस सब्जेक्ट पर आउटरीच एक्टिविटी एंड असेसमेंट ऑफ डिसेबिलिटी, इस सब्जेक्ट पर अगर आप कोई भी क्वेश्चन हमारे एक्सपर्ट से पूछना चाहें तो आपका स्वागत है। नोट कीजिए हमारे नंबर जिन पर कि आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800112008, हमारा फोन नंबर 0112651113 और हमारा फैक्स नंबर है 0112651609। इसके अलावा ईमेल के थ्रू भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी rehabstd@ndc.vsnl.net.in और हमारी वेबसाइट www.rehabcouncil.nic.in। तो आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सर, अभी हमने जो प्रोग्राम में जो अपना टॉपिक सिलेक्ट किया है, आउटरीच एक्टिविटी एंड असेसमेंट ऑफ डिसेबिलिटी, किसी भी तरह की, चाहे आउटरीच एक्टिविटीज को प्रोवाइड करना हो या असेसमेंट करना हो, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि डिसेबिलिटी होती क्या है, खास करके अपने इस सब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए। डिसेबिलिटी के बारे में मैं बताऊंगा कि हम, ए डिसेबल्ड पर्सन इज वन हु इन हिज और हर सोसाइटी or community is regarded or officially recognized as such because of a difference in appearance. जैसे अगर देखने में वो अलग लगता है और behavior या उसका बर्ताव थोड़ा सा अलग है, in combination with a functional limitation or activity restriction. जैसे कोई बच्चा है, उसको चलने में दिक्कत है, उसको देखने में दिक्कत है, उसको सुनाई देने में दिक्कत है या बोल नहीं पाता, तो हम उसको disabled या विकलांग कह सकते हैं। सर, आपने यहाँ पर अपीयरेंस और बिहेवियर दोनों टॉपिक को ऐड किया है, ये अपीयरेंस और बिहेवियर किस तरह से, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करें। जैसे एक मेंटली रिटार्डेड बच्चा, वो एक नॉर्मल बच्चे से थोड़ा सा अलग दिखेगा अगर हम ध्यान से देखें। जैसे एक डाउन सिंड्रोम है, मंगोलिज्म है, या मेंटली रिटार्डेड बच्चे हैं, या जिन बच्चों को थोड़ा दिखाई कम देता है, तो उनको हम थोड़ी सी कोशिश से पहचान पाएंगे कि ये बच्चा नॉर्मल से थोड़ा सा अलग लग रहा है, और इसको, उसके माँ बाप को हम एडवाइस कर सकते हैं उसके इलाज के लिए। जी, तो दोस्तों आपने देखा कि हमारे एक्सपर्ट का जो कहना है कि बच्चे के बिहेवियर या उसकी एक्टिविटीज या उसकी अपीयरेंस को देख करके हम इस बात को समझ सकते हैं कि बच्चे में किसी तरह की डिसेबिलिटी है। अब ये डिसेबिलिटी किस तरह की हो सकती है, कैसे इसको आइडेंटिफाई करेंगे, निश्चित रूप से ये काम एक एक्सपर्ट का होता है। तो आइए अपने एक्सपर्ट से इस बात को जानने की कोशिश करते हैं कि ये डिसेबिलिटी कैसे हम पहचानते हैं, इसका असेसमेंट किस तरह से करते हैं, और किस तरह की आउटरीच एक्टिविटीज को ऐसे लोगों के लिए प्रोवाइड किया जा सकता है। जी, फंक्शनल लिमिटेशन में ये वाली चीजें आती हैं, जैसे चलने में दिक्कत, हाथ से काम करने में दिक्कत, अगर किसी बच्चे को या व्यक्ति को देखने में दिक्कत है, बोलने में दिक्कत है, सुनने में दिक्कत है, या उसकी सेंसेशन, स्किन में सेंसेशन कम हो गई हैं, या एक बच्चा नॉर्मल बच्चे की तरह पढ़ने में स्लो है, तो उसमें भी, या उसको याददाश्त उसकी थोड़ी सी कम रहती है, या वो अपने घर वालों को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को पहचान नहीं पाता, या उसको अगर दौरा पड़ता है, तो ये नॉर्मल से थोड़ा भिन्न है, अलग है, और उसको हमें कुछ एडवाइस, एक्सपर्ट एडवाइस देने की जरूरत है, या उसकी डिसेबिलिटी पहचानने की जरूरत है। उसके अलावा जैसे पर्सनल केयर, जैसे एक नॉर्मल बच्चा एक उम्र के बाद अपने आप टॉयलेट चला जाता है, अपना हाथ मुंह धो लेता है, नहा लेता है, या अपने कपड़े पहन लेता है, कंघी कर लेता है, अगर इन चीजों में दिक्कत है तो भी हमें पहचानना चाहिए कि बच्चे में कोई प्रॉब्लम है। उसके बाद अगर उसको चल पाने में दिक्कत है, घर में या स्कूल जाने में, मार्केट जाने में, अगर वो बोल नहीं पाता, कम्युनिकेशन में दिक्कत आती है उसको, अगर स्कूल में पढ़ने में उसको दिक्कत है,
या उसके मार्क्स नंबर कम आ रहे हैं, इसका मतलब वो स्लो लर्नर है, उसके मस्तिष्क में कोई प्रॉब्लम हो सकती है या उसका बिहेवियर थोड़ा सा अलग है, तो भी हमें इसको जल्दी से पहचानना चाहिए ताकि हम उसका इलाज के लिए उसको एडवाइस कर पाए। सर आपने जैसे यहाँ पर बताया डिफरेंट, जैसा कि एक नॉर्मल चाइल्ड से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एक बच्चा इतने इयर्स का हो जाएगा तो अपनी इस तरह के डेली रूटीन के इस तरह के वर्क को सेल्फ अपने आप से करने के लिए एबल हो जाएगा। और इसके साथ में ही आपने एजुकेशन से जुड़े हुए पॉइंट्स को भी रेज किया, जहां पर कि एक कॉमन बच्चा जिस तरह से परफॉर्मेंस दे रहा है, एक अदर बच्चा अगर उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है तो कहीं इस बात के इंडिकेशन हो सकते हैं कि बच्चा स्लो लर्नर है या उसके माइंड में अपेक्षित जितनी डेवलपमेंट हम उम्मीद करते हैं उतनी नहीं हो पाई है। जब इस बात को हम समझ लेते हैं तो कैसे ऐसे लोगों को रिहैबिलिटेट किया जाता है, कैसे इन लोगों को इस तरह से हम सक्षम बना सकते हैं जिससे कि वे भी नॉर्मल लोगों की तरह से एक सम्मान भरी जिंदगी आगे चल करके जी सकें। आपने बिल्कुल ठीक कहा, जो विकलांगता या डिसेबिलिटी है इसको हम जन्म पे पकड़ सकते हैं। जैसे अगर पैदा होते हुए अगर नॉर्मल बच्चा रोता है, अगर वो नहीं रोया, उसको सांस आने में दिक्कत है, अगर उसका वेट बहुत कम है या डिलीवरी में किसी तरह की कोई दिक्कत है, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उसको बचपन में किसी न किसी तरह की कोई दिक्कत आ सकती है। अगर उस टाइम उस समय पर हम इसको नहीं पकड़ पाते तो जो माँ बाप हैं, परिवार के सदस्य हैं, वो नॉर्मल डेवलपमेंट नहीं हो रहा बच्चे का तो भी पकड़ सकते हैं उसको। अगर वहां से भी नहीं पहचान पाए हम तो स्कूल में टीचर्स पता कर सकते हैं कि ये बच्चा स्लो है, ये डिफरेंट है, और माँ बाप को बुला के बता सकते हैं, जो फिर किसी डॉक्टर या अस्पताल में इसका डायग्नोसिस करा सकते हैं और उसको रिहैबिलिटेशन करने की कोशिश कर सकते हैं। आए हम जाने कि रिहैबिलिटेशन क्या होता है। रिहैबिलिटेशन में हम इट इज टू रिस्टोर ए पर्सन डिग्निटी एंड और लीगल स्टेटस। द स्कोप ऑफ टर्म हैज चेंज्ड ओवर लास्ट 25 ईयर्स थ्रू डिफरेंट फेजेस। नाउ इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें तो इट इज कंबाइंड, रिहैबिलिटेशन इज कंबाइंड एंड कोऑर्डिनेटेड यूज ऑफ मेडिकल, सोशल, एजुकेशनल एंड वोकेशनल मेजर्स फॉर ट्रेनिंग और रीट्रेनिंग द इंडिविजुअल और द डिसेबल्ड to the highest level of functional activity. सर आपने यहाँ पर जो डेफिनेशन यहाँ पर रिहैबिलिटेशन की बताई है उसमें एक चीज मैं पढ़ रहा था और बड़ी अच्छी लगी कि उसमें आपने डिग्निटी वर्ड को भी ऐड किया है। ये किस तरह से, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करें, ये थोड़ा सा स्वाभिमान और आत्मसम्मान ऐसे लोगों को प्रोवाइड करना, ये किस तरह से ज्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है? डिसेबल्ड पर्सन या बच्चों को हमारे परिवार में, अपने परिवारों में, समाज में या स्कूल में एक नीचे देखा जाता है कि ये डिसेबल्ड है, इसके साथ हम नहीं खेलेंगे, ये डिसेबल्ड है, इसको हम अपने सोशल सोसाइटी में इंटीग्रेशन में उसको दिक्कत आती है। कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी इस बात को फील करते हैं, अपने आप को शर्मिंदा टाइप में फील करते हैं कि हम किसी तरह का सोशल एक्टिविटी है, कल्चरल एक्टिविटी है, तो ऐसे बच्चों को घर पर ही बिठा देते हैं कि आप यहीं पर बैठे रहिए, हम वहां से होकर के लौट करके आते हैं। तो इस तरह का जो एक सोशल अवेयरनेस हमारे अंदर नहीं है, हमारा जो एक कहें कि ऐसे लोगों को सोशली एक्सेप्टेड करने के लिए जो अवेयरनेस होनी चाहिए वो हमारे अंदर नहीं है। अमित जी आपने बिल्कुल ठीक कहा, ऐसे बच्चों को अक्सर नेगलेक्ट किया जाता है, नॉट ओनली बाय द सोसाइटी बट बाय द पेरेंट्स, बाय द फ्रेंड्स, बाय द स्कूल। तो हमें हर लेवल पे कोशिश करनी चाहिए उसको रिहैबिलिटेट करने की और इंटीग्रेट करने की सोसाइटी में, समाज में, ताकि वो एक इज्जत की जिंदगी जी पाए। उनको कभी ये ना लगे कि हम किसी से किसी वजह से कम हैं और किसी तरह से अलग हैं। अगर ऐसा होता है तो उनके अंदर कभी कभी डिप्रेशन की फीलिंग्स उभर आती हैं और जिसका कि एक नेगेटिव इफेक्ट हमको देखने को मिलता है। बिल्कुल ठीक कहा, उनमें लो एस्टीम होता है जी, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, तो हमें वो वाला एस्पेक्ट भी उनका देखना है और उसको भी ठीक करने की कोशिश करनी है, करनी चाहिए कहीं ना कहीं। और जैसा कि दोस्तों आप देखते हैं हमारे प्रोग्राम्स में अक्सर एक्सपर्ट्स इस बात को एडवाइस करते रहते हैं कि ऐसे बच्चों का जो एक्सपोजर होना चाहिए सोसाइटी में, अपने आसपास के जो वातावरण है जहां पर किसी तरह के, किसी भी तरह की, चाहे वो कल्चरल एक्टिविटी हो रही है, सोशल एक्टिविटी हो रही हो, कहीं और भी इस तरह की एक्टिविटीज जिसमें कि आप एक सफिशियंट एबिलिटी के साथ में बच्चों का अगर इंडल्स कर सकते हैं, उनके साथ
एक्टिवेट उनको कर सकते हैं किसी तरह से, उनका फंक्शन उसमें आप रोल उनको निभाने के लिए अगर दे सकते हैं तो ये बहुत ही बेहतर होता है। उनका जो ये एक्सपोजर होता है वो कहीं ना कहीं उनके अंदर आत्मसम्मान तो पैदा करता ही है, उनके सीखने और समझने की क्षमता को भी बढ़ाने की तरफ काफी मददगार होता है। जी सर, बिल्कुल आपने ठीक कहा। तो हम आगे बढ़े इसमें, प्रोफेशनल्स को जल्दी से जल्दी कोशिश करनी चाहिए डिसेबिलिटी को डिटेक्ट करने की, ताकि उसका जल्दी से इलाज कर पाए हम। रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स इन द इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज स्टार्टेड वेरी अर्ली, इंक्लूडिंग ए वाइड रेंज ऑफ इंटरवेंशंस, मींस इलाज एम्ड एट चेंजिंग और अडॉप्टिंग द एनवायरनमेंट। टुडे दीज अडॉप्टेशंस इन द फिजिकल एनवायरनमेंट्स फॉर ईच इंडिविजुअल एज वेल एज जनरल चेंजेस आर कंसिडर्ड एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ रिहैबिलिटेशन। तो 1981 में मैनिफेस्टो ऑफ डिसेबल्ड पीपल्स इंटरवेंशन आया, तो उसमें कहा गया इक्वलाइजेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज, कि जो नॉर्मल आदमी को व्यक्ति को अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं वो डिसेबल्ड को भी मिलनी चाहिए। इट मींस द प्रोसेस थ्रू विच द जनरल सिस्टम ऑफ सोसाइटी सच एज फिजिकल एनवायरमेंट, हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, सोशल एंड हेल्थ सर्विसेज, एजुकेशनल एंड वर्क अपॉर्चुनिटीज, कल्चरल एंड सोशल लाइफ इंक्लूडिंग स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशनल फैसिलिटीज आर मेड एक्सेसिबल टू ऑल इंक्लूडिंग डिसेबल्ड पर्सन। दिस इन्वॉल्व्स द रिमूवल ऑफ ऑल बैरियर्स टू फुल पार्टिसिपेशन ऑफ डिसेबल्ड पर्सन इन ऑल दीज एरियाज, दस अनेबलिंग अस टू रीच ए क्वालिटी ऑफ लाइफ इक्वल टू दैट ऑफ अदर्स। Now, equal opportunities to and distribution of resources, new economic order, health for all, education for all, efforts to promote and protect the human rights of disabled people are seen as one of the cornerstones of strategy of community-based rehabilitation, that is CBR. Now, all interventions or training should be provided for disabled individuals. All changes, adaptations in his or her own local physical environment. All general changes needed in the environment in order to diminish or eliminate barriers for disabled persons. Equalization of opportunities provided on the basis of integration. And there should be promotion and protection of human rights of disabled persons. जैसे मैं एक छोटा सा example देता हूँ, किसी disabled person को जिसको चलने में दिक्कत है, अगर किसी building में किसी काम जाना है और वहां लिफ्ट नहीं है तो वहां सीढ़ियां है होती हैं, तो सीढ़ी चढ़ने में उसको दिक्कत होती है, तो वहां सब बिल्डिंग्स में डिसेबल्ड फ्रेंडली होनी चाहिए, मतलब वहां पे रैंप होना चाहिए। अगर कोई पेशेंट व्हीलचेयर पे है और उसको हमें ऊपर की मंजिल पे ले जाना है तो वो व्हीलचेयर सीढ़ियों से नहीं जा सकती, उसके लिए हमें रैंप प्रोवाइड करना चाहिए ताकि वो उस मंजिल पे जाकर वो अपना काम कर पाए या करा पाए। तो ये बहुत ही जरूरी है कि बिल्डिंग्स और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज डिसेबल्ड फ्रेंडली होनी चाहिए। रिहैबिलिटेशन इंक्लूड्स ऑल मेजर्स एम्ड एट रिड्यूसिंग द इंपैक्ट ऑफ डिसेबिलिटी फॉर एन इंडिविजुअल, अनेबलिंग हिम और हर टू अचीव इंडिपेंडेंस, वो अपने आप काम कर पाए, सोशल इंटीग्रेशन, सोसाइटी में वो इंटीग्रेट हो जाए, and better quality of life and self-actualization, means self-confidence. It includes not only training of the disabled people but also interventions in the general systems of society, adaptations of the environment and protection of human rights. Protection of human rights is an obligation for authorities of each country, for its communities and for every citizen. Disabled people shall have the same rights to a life in dignity as others. Special attention should be given to ensure access to health and social services. Means जैसे कोई disabled person hospital जाना चाहे तो वो उसके घर के आसपास, community के आसपास available होना चाहिए और वो वहां तक पहुंच पाए. For educational and work opportunities, अगर disabled बच्चा school में पढ़ना चाहे तो उसको वो स्कूल प्रोवाइड करना चाहिए घर के आसपास। टू हाउसिंग, मकान के लिए ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए डिसेबल्ड फ्रेंडली, जैसे लो फ्लोर बसेस मेट्रो में भी डिसेबल्ड फ्रेंडली हैं फैसिलिटीज। टू बिल्डिंग्स,
टू इंफॉर्मेशन, टू कल्चरल एंड सोशल लाइफ इंक्लूडिंग स्पोर्ट्स, अगर वो कोई गेम खेलना चाहे तो उसकी फैसिलिटीज उसको प्रोवाइड करानी चाहिए गवर्नमेंट को, एंड रिक्रिएशनल फैसिलिटीज, देन टू रिप्रेजेंटेशन एंड फुल पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट इन ऑल मैटर्स ऑफ कंसर्न टू देम. रिहैबिलिटेशन सेंटर्स आर मोस्टली फॉर डिसेबल्ड पीपल विद मोबिलिटी प्रॉब्लम्स. ऑर्थोपेडिक वर्कशॉप्स आर देयर, of which some also produce wheelchairs, crutches or small appliances for activities of daily living. Outpatients clinics for physiotherapy and occupational therapy. Ordinary hospitals which may have physiotherapy departments for acute patients like fractures, stroke, post-operative care. Now, rehabilitation hospitals sometimes with their own departments of orthopedic surgery, orthopedic workshop and wards are there available, special schools or integrated classes and or activities of daily living training centers, for example for blind, deaf, physically disabled or mentally retarded children. Vocational centers, almost none of which have facility for assessment, so focus should be on training. Then there should be sheltered workshops एंड कोऑपरेटिव्स फॉर डिसेबल्ड पीपल. जो वोकेशनल ट्रेनिंग के बारे में आपने बात किया है, ये वोकेशनल ट्रेनिंग किस तरह से हम वहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे कि आपने अपने स्लाइड में दिखाने की कोशिश की. जैसे डिसेबल्ड पेशेंट्स को सिर्फ मेडिकल ट्रीटमेंट या ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट ही नहीं चाहिए, उनको उसके अलावा वोकेशनल ट्रीटमेंट भी, वोकेशनल एडवाइस भी हमें देनी चाहिए. मान लिया कोई डिसेबल्ड पर्सन है पोलियो से ग्रस्त, तो हमने उसको पोलियो की बीमारी से तो उसकी डिसेबिलिटी थोड़ी कम की, लेकिन अगर हम उसकी वोकेशन का ध्यान नहीं रखेंगे तो ये कंप्लीट रिहैबिलिटेशन नहीं होगा. तो हमें उसे कोई ना कोई ऐसा ट्रेड या काम सिखाना होगा या ट्रेनिंग देनी होगी ताकि वो अपनी आजीविका कमा पाए. इसमें जैसे कैनिंग, देन कंप्यूटर स्टिचिंग और बहुत सारे, कैंडल मेकिंग और बहुत सारे प्रोफेशंस हैं जिनमें उसकी रुचि और सक्षमता के हिसाब से हम उसको एडवाइस कर सकते हैं कि इस चीज में आप ट्रेन, और वो वाली फैसिलिटीज हम उसे रिहैबिलिटेशन सेंटर में प्रोवाइड कर सकते हैं. सर यहाँ पर आपने जैसे ऐड किया अपनी बातों में कि हम उनकी रुचि और उनकी सक्षमता इस बात को ध्यान में रखते हुए उनको किसी वोकेशनल ट्रेनिंग की तरफ मोटिवेट करते हैं, जहां पर कि उनको इतना ट्रेन कर लिया जाता है कि जिससे कि वो बाजार में जाकर के कोई भी इस तरह की अपनी रुचि के अकॉर्डिंग जो जॉब है उसके लिए वो एबल बन सके और अपनी आजीविका कमा सके. क्या हमारा जो फंक्शन यहाँ पर होता है सिर्फ उनको ट्रेन करने तक ही होता है, या उनको जॉब कहीं पर मिलने के लिए भी हम किसी प्रकार की मदद करते हैं? आपने बिल्कुल ठीक कहा, हम उन्हें ये अवेयर कराते हैं कि उनके लिए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में, गवर्नमेंट सेक्टर में कुछ रिजर्वेशन है डिसेबल्ड पर्सन्स के लिए, 3% रिजर्वेशन है उनके लिए नौकरियों में. तो हम उन्हें वो वाली इंफॉर्मेशन भी दे सकते हैं और वो हैंडीकैप्ड कोटा के अंडर अप्लाई कर सकते हैं और उनको उस कैटेगरी में जॉब मिलने का चांस है या पूरे पूरे मौका दिया जाता है. जी सर, यहाँ पर जो आपने एक शेल्टर्ड एनवायरनमेंट पर उनको जॉब प्रोवाइड करने वाली बात की थी, और साथ साथ में इसी तरह से ओपन मार्केट में भी जॉब देने की बात की जाती है, इसमें कौन सी चीज आप ज्यादा बेहतर समझते हैं या देखते हैं ऐसे लोगों के लिए? हम उन्हें ट्रेन करते हैं ताकि वो ओपन मार्केट में जाके कंपटीशन करके भी अपने आप को एस्टेब्लिश कर पाएं, अपना हुनर दिखा पाएं. जैसे कोई पैराप्लेजिक है या पोलियो है, उसके हाथ और दिमाग बिल्कुल ठीक काम करते हैं, और अगर हम उसे ट्रेनिंग दे दें पेंटिंग की, आर्ट की, तो वो अपने आप को एस्टेब्लिश कर सकता है ओपन मार्केट में भी, और अपनी गैलरी खोल सकता है और अच्छे से अच्छा काम करके अच्छे से अच्छी कमाई कर सकता है. हमारी पूरी कोशिश होती है कि ओपन मार्केट के लिए भी ऐसे लोगों को तैयार कर पाना. आपने अमित जी बिल्कुल ठीक कहा. जी 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 सर. साइकेट्रिक हॉस्पिटल्स वेयर वन माइट फाइंड लार्ज ग्रुप्स ऑफ मेंटली रिटार्डेड पेशेंट्स, ऑटिस्टिक चिल्ड्रन और एपिलेप्टिक चिल्ड्रन, मतलब जिन बच्चों को दौरा पड़ता है, एंड एडल्ट्स एंड ए ग्रुप ऑफ पेशेंट्स विद क्रोनिक मेंटल इलनेस, leprosy area for patients undergoing leprosy treatment with drugs,
Some of them are sent home after treatment, others remain for long time or lifelong. Some of these institutions have an active rehabilitation program. Orphanages, where most children stay for only a short time, adopted, but disabled children stay for long, till maturity. Beggars' home or detention centers, where disabled beggars may stay for very long. Rehabilitation services, which may form part of some other activity, for example, an ophthalmic assist working in a hospital may provide some training to a blind, a bicycle manufacturer providing wheelchairs. सर अभी जैसा कि हमने स्लाइड में देखा ऑर्फनेजेस को भी आपने इसमें ऐड कर लिया है क्या इसको भी हम रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम के तहत ही मान करके चलते हैं बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा जी इसमें ये किस तरह से डिफरेंस आपने दिखाने की कोशिश किया था कि एक में टिल मैच्योरिटी हम रखते हैं और इसे एक में कैटेगरी में जिसमें कि कम एज तक ही बच्चों को रखा जाता है वो हर वो डिपेंड करता है वो कौन सी कैटेगरी से है ब्लाइंड विजुअली हैंडीकैप्ड है मेंटली हैंडीकैप्ड है लोकोमोटर डिसेबिलिटी है या हियरिंग और स्पीच प्रॉब्लम है और उसमें भी उसको कितना ज्यादा है कम डिसेबिलिटी या बहुत ज्यादा डिसेबिलिटी आपने इसमें कुछ चीजों बताया जहां पर कि कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनको रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम के तहत में हम लाइफ लॉन्ग भी उनको लेकर के चलते हैं यस बिल्कुल कुछ ऐसे हैं जो जिनको जो अपना केयर नहीं कर पाते जैसे सेरेब्रल पॉल्सी सीपी स्पास्टिक चिल्ड्रन अगर उनके घर में पेरेंट्स नहीं है या उनकी डेथ हो गई है और घर में कोई देखने वाला नहीं है तो या और भी कैटेगरियां हैं डिसेबल्ड की जिनको हम लाइफ लॉन्ग टर्म और लाइफ लॉन्ग केयर देने की कोशिश कर सकते हैं चैरिटी फैक्टर्स आर देयर देन द एटीट्यूड एंड पॉलिसीज कंसर्निंग फाइनेंसिंग दीज आर फैक्टर्स वी शुड बी कंसिडर्ड द ट्रांसफर टेक्नोलॉजी एंड टाइप ऑफ प्रोफेशंस वेस्टेड कॉमर्शियल इंटरेस्ट and then problems related to service delivery the lack of parental and community involvement including representation of disabled people lack of credible evaluation system structure of the conventional system lack of legal protection and human rights now what are the rehabilitation approaches matlab hum disabled patients ko kaise kaise rehabilitation kar sakte hain uske liye alag models hain जैसे इंस्टीट्यूशनल बेस्ड रिहैबिलिटेशन IBR इसमें पेशेंट या डिसेबल्ड पर्सन हॉस्पिटल तक या डिस्पेंसरीज या सेंटर्स तक पहुंचता है देन वी हैव आउटरीच सर्विसेज लाइक कैंप अप्रोच एंड मोबाइल यूनिट इसमें एक गाड़ी हॉस्पिटल से समाज कम्युनिटी तक जहां डिसेबल्ड पेशेंट्स को सर्विसेज देनी है जाती है देन neighborhood centers can be opened then district rehabilitation center or DRC then community based rehabilitation means patient ko उसी की कम्युनिटी में रिहैबिलिटेट करने की कोशिश करते हैं सर यहाँ पर कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन जैसा कि आपने दिखाया है अपनी स्लाइड में यहाँ पर हम एक यूनिट लगाते हैं और वहाँ पर आसपास के एरिया में जितने भी डिसेबल्ड फ्रेंड्स इस तरह के होते हैं उनको इनवाइट किया जाता है जहाँ पर हम अपने प्रोग्राम से उनको रूबरू कराते हैं नहीं इसमें हम एक सेंटर नहीं बनाते हम समाज में कम्युनिटी में जाते हैं और वहाँ के जो लीडर्स हैं सरपंच MLA MP या जो लोग मैटर करते हैं उनसे मिलते हैं फिर देखने की कोशिश करते हैं कि उस कम्युनिटी में किस टाइप की डिसेबिलिटी है और कितने डिसेबल्ड हैं उसके बाद हम उस कम्युनिटी को स्क्रीन करते हैं और जो डिसेबल्ड पेशेंट्स हैं उनकी फैमिली में एक एक मेंबर को हम ट्रेन करते हैं उनके परिवार वालों को ट्रेन करते हैं और उनका और देखते हैं कि वह वहां पे क्या क्या रिसोर्सेस हैं फाइनेंशियल रिसोर्सेस एंड अदर रिसोर्सेस और एक कमेटी बना लेते हैं और कोशिश करते हैं कि जिनको हमने ट्रेनिंग दी है फैमिली मेंबर को वो डिसेबल्ड पेशेंट का ध्यान अपने घर में या कम्युनिटी में ही रख पाए और एक डिग्निफाइड लाइफ जी पाए सर आपने फैमिली मेंबर को यहाँ पर ट्रेन करने के बारे में बात किया है ये किसी पर्सन जो डिसेबल्ड है उसकी सर्विस करने के बजाय आपने जोर इस बात पर दिया कि उसी की फैमिली का कोई मेंबर जो उससे जुड़ा हुआ हो एसोसिएटेड हो उसको हम ट्रेन कर दें इसके पीछे आपका क्या था अमित जी आपने बिल्कुल ठीक कहा जैसे कोई डिसेबल्ड है पोलियो पेशेंट है तो हम और उसका एक भाई है तो हम उसके भाई को ट्रेन करते हैं कि वो कैसे उस बच्चे की एक्सरसाइज कराए ताकि उस बच्चे को उस गांव से
या कम्युनिटी से हॉस्पिटल तक नहीं आना पड़े और उसका टाइम भी बचे, उसी के घर में उसी का भाई उसकी एक्सरसाइज घर पे ही करा दे, इसको कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन बोलते हैं। वो ज्यादा अच्छे से करा पाएगा, अच्छे से भी करा पाएगा। एक दूसरी भी बात कि इसमें टाइमिंग का भी, अब डिसेबल्ड फ्रेंड जो है उसकी टाइमिंग के अकॉर्डिंग घर पर ही इस तरह की फैसिलिटी मिल जाएगी, घर से हॉस्पिटल तक आना जाना और इस तरह के, और सबसे पहली बात की कंटिन्यू इस तरह की सर्विस मिलती रहेगी, जो कि ऐसे फ्रेंड्स के लिए ज्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा, वो घर में रहकर अपने परिवार के सदस्य की देखभाल बहुत अच्छे से कर सकता है, उसका टाइम भी बचेगा, उसके पैसे भी बचेंगे और उसके पास चॉइस भी होगी कि दिन में किसी समय भी उसकी एक्सरसाइज वो करा पाएगा, करा सके। ये दोस्तों आपने देखा, जैसा कि हमारे एक्सपर्ट आर के बाधवा जी आप इस बात को बता रहे हैं कि कम्युनिटी में जब इस तरह के प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं तो उनका एक कंसर्न ये भी होता है कि जो डिसेबल्ड पर्सन है उनकी फैमिली से एसोसिएटेड एक ऐसे मेंबर को ट्रेन कर सके, थोड़ी सी बेसिक टेक्निक्स उनको बता सके जिससे कि किस तरह की एक्सरसाइजेज उनको करानी है, किस तरह की उनकी डेली रूटीन मैनेज करना है, किस तरह से ऐसे लोगों को थोड़ा सा ट्रेन करना चाहिए जिससे कि वे अपनी डेली रूटीन की जो जरूरतें हैं उस तरह की एक्टिविटीज हैं उसको बेहतर ढंग से परफॉर्म कर सके। इसका इसके पीछे टोटल उद्देश्य सिर्फ यही है कि ऐसे डिसेबल्ड फ्रेंड्स को हॉस्पिटल तक आने जाने का जो बार बार का एक उनके लिए परेशानी भरा सबब होता है इसको कम किया जा सके, इसको दूर किया जा सके। इस पर और कौन से अच्छे पॉइंट्स हो सकते हैं जो कि ऐसे फ्रेंड्स को और ज्यादा मदद दे सकते हैं, इसको जानने की कोशिश करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक फ्रेंड्स, आज हम चर्चा कर रहे हैं आउटरीच एक्टिविटीज पर, जिस पर कि हमारा इस बात को पर जोर है कि जो आउटरीच एक्टिविटीज होती हैं ये किस तरह से डिसेबल्ड फ्रेंड्स के लिए ज्यादा फ्रेंडली होती हैं, ज्यादा आसान होती हैं, ज्यादा मददगार साबित हो सकती हैं। इस सब्जेक्ट पर मिस्टर आर के वाधवा जी हमको अपनी एक्सपर्ट नॉलेज के साथ में हमको बता रहे हैं कि किस तरह से जो हमारी आउटरीच एक्टिविटीज होती हैं यह किस तरह से इम्पोर्टेंट हो सकती हैं। हम चर्चा को फिर आगे बढ़ाएंगे, इसके पहले मैं एक बार आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर आर के वाधवा जी से इस सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल करना चाहें, कोई भी सुझाव देना चाहें अपना इस प्रोग्राम से रिलेटेड, इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर 1800112008 पर, हमारा फोन नंबर 0112651113 और हमारा फैक्स नंबर 0112651609। साथ ही दोस्तों, अगर आप ईमेल के थ्रू हमसे जुड़ना चाहें तो जरूर आप हमारी ईमेल आईडी नोट करें, rehabstd@ndc.vsnl.net.in और हमारी वेबसाइट www.rehabcouncil.nic.in। तो आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सर, अभी हम बात कर रहे थे CBR टेक्निक की, कम्युनिटी बेस्ड जो रिहैबिलिटेशन होता है उसके बारे में आपने बताया कि अगर डिसेबल्ड पर्सन के फैमिली के एक मेंबर को अगर हम ट्रेन कर देते हैं तो ये उनके लिए ज्यादा बेटर होता है कि ऑन द स्पॉट और जब भी जरूरत हो तो उनको इस तरह का एक बेसिक नेसेसिटी का हम वहां पर रिहैबिलिटेशन उनको प्रोवाइड कर सकते हैं, जरूरत उनकी पूरी कर सकते हैं। ये कन्वेंशनल जो नॉर्मल अभी जैसा हम जानते हैं हॉस्पिटल जाना, एक्सपर्ट से मिलना और फिर वापस आना, इस तरह की जो टेक्निक हमारी रही है उससे ये किस तरह से डिफरेंट है और किस तरह से ये ज्यादा फ्रेंडली है हमारे डिसेबल्ड फ्रेंड्स के लिए? जो कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन CBR है, ये वर्ल्ड ओवर नया कॉन्सेप्ट है और इसको नए नए एरियाज में अडॉप्ट किया जा रहा है और ये डेफिनेटली इंस्टीट्यूशनल बेस्ड रिहैबिलिटेशन या IBR से बेटर है। आए हम देखें कि ये कैसे दोनों अलग हैं। कॉन्वेंशनल सिस्टम में मेडिकलाइज सर्विसेज होती हैं, प्रोफेशनल ओरिएंटेड होती हैं और इम्पोर्टेड प्रोसीजर्स होते हैं, जबकि CBR में प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स यूज करते हैं, ये पीपल ओरिएंटेड होती है, इसमें फोकस डिसेबल्ड पर्सन और उसकी फैमिली है और हम यूज करते हैं स्पॉन्टेनियस टेक्नोलॉजी बिल्ट ऑन रिसोर्सिस एट हैंड। कन्वेंशनल सिस्टम में देयर इज डोमिनेंस ऑफ फॉर्मल हाईली स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग सिस्टम्स, जबकि CBR में देयर इज एम्फेसिस ऑन इनफॉर्मल ट्रेनिंग सिस्टम्स। इन कन्वेंशनल सिस्टम देयर इज इंट्रोडक्शन ऑफ लेजिस्लेशन टू गिव पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, इन CBR देयर इज प्रोटेक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग ह्यूमन राइट्स एट ऑल लेवल्स एंड देयर इज एलिमिनेशन ऑफ नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन। CBR में जो डिसेबल्ड पर्सन है और इंस्टीट्यूशनल प्रोफेशनल पर्सनल है, मतलब इंस्टीट्यूशंस एक तरीके से डिसेबल्ड की एनवायरनमेंट में जाता है और उसको सर्विसेज वहां पे दी जाती हैं। जो कन्वेंशनल मेथड था वो कहीं ना कहीं इस बात को इंडिकेट करता था कि डिसेबल्ड पर्सन को इंस्टीट्यूशन तक जाना होता था, जबकि यहाँ पर CBR की जो टेक्निक है उसमें इंस्टीट्यूशन डिसेबल्ड पर्सन के पास में आ रहा है। अमित जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। CBR में यही फायदा है कि जो इंस्टीट्यूशनल सर्विसेज हैं उनको मॉडिफाई करके बेटर बनाकर हम कोशिश करते हैं डिसेबल्ड पर्सन के डोर पर, उसके घर पर उसको पहुंचाने की। CBR की डेफिनेशन देखें तो इट इज अ स्ट्रेटजी फॉर रिहैबिलिटेशन इक्वलाइजेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज, मींस सब लोगों को इंक्लूडिंग डिसेबल्ड पर्सन को सब अपॉर्चुनिटीज मिले, पॉवर्टी रिडक्शन एंड सोशल इंक्लूजन ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज। सर, अभी जैसे CBR टेक्निक के बारे में आपने बात किया, एक इसका अप्रत्यक्ष फायदा जो मैं देख रहा हूँ, जैसा कि हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे कि हमारे सोसाइटी में थोड़ा सा अवेयरनेस नहीं है ऐसे लोगों की प्रॉब्लम्स के लिए, उनको एक्सेप्ट करने के लिए, उनको अपनाने के लिए। कहीं ना कहीं जैसे आपने बताया था CBR टेक्निक को स्टार्ट करते समय कि कहीं ना कहीं हम उस सोसाइटी, उस कम्युनिटी के जो वेल नोन पर्सन होते हैं उनको साथ में लेकर के चलते हैं। अगर इस तरह के प्रोग्राम्स हम
ऑर्गेनाइज करते हैं तो कहीं ना कहीं सोसाइटी में भी एक पॉजिटिव मैसेज जाता है कि ऐसे लोग भी अनटचेबल नहीं है, उनको दूर रखने की कोई जरूरत नहीं है, इनको भी साथ में रख करके चलना भी हमारी जिम्मेदारी है, हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, जहां हम CBR लगा को यूज करने जा रहे हैं तो उनके लीडर्स को, इम्पोर्टेंट पर्सन्स को हमें सेंसिटाइज, सबसे पहले हम उनको सेंसिटाइज करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपकी है और आपको अपने रिसोर्सेस यूज करके इसको सॉल्व करना है। बिल्कुल आपने ठीक कहा जी। CBR में वी यूज स्ट्रेटजीज टू एनहेंस क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ डिसेबल्ड पर्सन्स, उसको बेटर बनाने की कोशिश करते हैं। We promote and protect their human rights. Then we develop a system capable of reaching most or all disabled persons. Then we educate them and also involve government and public. There is coordinated involvement of all levels of society, jaise community, intermediate level and national level. There cannot be one model of CBR for the whole world. It has to vary from region to region, country to country. Many models of CBR programs are there and each is unique in its own situation. We rely much on mobilization of local resources ki unke samaj mein, community mein jo resources hain unhi ko hum CBR ke liye use karte hain. We involve disabled members and family in discussion and decision making. Most important resource is family. Skills and knowledge are related to local experience. It should further open up all local opportunities for education, functional and vocational training or jobs. The entire community is a target of CBR programs. सर यहाँ पर इस स्लाइड में जो चीज मैं थोड़ा सा ध्यान से देख रहा था, इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट बात आपने कही है कि एक CBR की कोई एक टेक्निक ऐसी हम नहीं इमेजिन कर सकते जो कि होल ऑफ द वर्ल्ड के लिए सुटेबल हो। इसमें कहीं ना कहीं जिस कम्युनिटी पर हम जा रहे हैं उसके रिसोर्सेज को ध्यान में रख करके चलना होगा और उसी को अपना हथियार बनाते हुए ऐसे लोगों की मदद के लिए हमको चलना होगा। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस में किस तरह से ये सिचुएशन टू सिचुएशन, कम्युनिटी टू कम्युनिटी, ये किस तरह से डिफर करता है और कैसे ये मदद कर सकता है। बिल्कुल, हर कंट्री में अलग एटीट्यूड है, अलग लैंग्वेज है, अलग वे ऑफ लाइफ है, अलग सोचने का ढंग है और अलग अलग रिसोर्सेस और इकोनॉमिक स्टेटस है। सो हम एक ही मॉडल पूरे वर्ल्ड के कंट्रीज के लिए नहीं यूज कर सकते। इवन अगर हम कहें कि सिर्फ अपनी कंट्री के लिए ही कहें तो जो मॉडल हमारे दिल्ली के लिए ठीक होगा वही यूपी और बिहार के लिए ठीक नहीं हो सकता। आपने बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि हर थोड़े से किलोमीटर के आगे बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती हैं जो हमें CBR करते हुए ध्यान में रखनी है। जी बिल्कुल ठीक है जी। सर इसमें एक चीज आपने और भी साथ में ऐड किया था कि फैमिली को हम जोड़ करके चलते हैं, इवन अगर हम कोई प्लान बना रहे हैं, किसी तरह की स्ट्रेटजी एक तय कर रहे हैं कि ऐसे लोगों की सर्विस किस तरह से प्रोवाइड की जानी चाहिए, कैसे इनको मेंटेन करना है, कैसे इनको स्ट्रेंथन करना है, इन सारे पॉइंट्स पे जब हम डिसीजन कुछ बनाते हैं, कोई स्ट्रेटजी बनाते हैं तो फैमिली को भी साथ में इंक्लूड करके चलना जरूरी होता है। ये किस तरह से इम्पोर्टेंट होता है? फैमिली इस प्रोग्राम का एक सेंटर है, धुरी है, बिना उसके ये प्रोग्राम बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। हम फैमिली में एक मेंबर को ट्रेनिंग देते हैं, सब मेंबर्स को सेंसिटाइज करते हैं और वो ट्रेन्ड पर्सन फिर परिवार के सदस्य जो डिसेबल्ड है उसका ध्यान रखता है। तो फैमिली सेंसिटाइजेशन एंड इन्वॉल्वमेंट इज ए मस्ट फॉर सक्सेस ऑफ दिस प्रोग्राम। सर आपने अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में कभी जब इस तरह के प्रोग्राम्स आपने ऑर्गेनाइज किए हों तो आप थोड़ा सा अगर कोई आपका ऐसा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो जो हमसे शेयर करना चाहें जिसमें कि आपने फैमिली को जब थोड़ा सा सेंसिटाइज किया ऐसे लोगों की प्रॉब्लम के लिए, उनकी फीलिंग्स के लिए, उनकी नेसेसिटीज के लिए, तो इसमें कुछ आपको एक चेंजिंग देखने को मिली हो या इस तरह से किस तरह से ये इम्पोर्टेंट होता है? गुड़गावा जिले में हमारा आउटरीच प्रोग्राम चलता है काजीपुर और कासन में जी। तो हम एज ए टीम वहाँ जाते हैं, समाज में जाते हैं, वहाँ पे जो लोकल लीडर्स हैं उनसे बात करते हैं, डिसेबल्ड लोगों को सेलेक्ट करते हैं, समाज का स्क्रीनिंग करते हैं और उसमें कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन देने की या उस स्ट्रेटजी को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। और हमने पाया है
कि फैमिली को सेंटर बना के लेके चलने से सीबीआर काफी सक्सेसफुल रहता है। आपने उस अप्रोच में भी चेंजिंग देखा जिसमें कि कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को फैमिली के पर्सन ही कहीं ना कहीं नेग्लेक्ट करते थे या उनको ज्यादा सुरक्षा देने के भाव से ही। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम बहुत ज्यादा सुरक्षित नहीं, इसके साथ में प्रॉब्लम है, इसको बेड पर ही रहने दो, इसको घर पर ही रहने दो, इस तरह के एटीट्यूड में भी चेंजिंग आई? बिल्कुल आई। और ये प्रोग्राम वहाँ पे लोकल फैमिली मेंबर्स को बात करने में उनके एटीट्यूड में बिल्कुल बदलाव आया जी। और यही हमारे सीबीआर टेक्निक जो हमारे एक्सपर्ट्स कंटिन्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसका सबसे बड़ा जो एक बेनिफिट मिल रहा है वो इसका जो सोशल एटीट्यूड, जो फैमिलियर एटीट्यूड है ऐसे लोगों के लिए जो हमारे डिसेबल्ड फ्रेंड्स हैं, उसको चेंज करने में बहुत मदद मिलती है। और ये आफ्टर ऑल हमारी जो एक समझ है ऐसे लोगों की नेसेसिटीज के बारे में, उनकी रिक्वायरमेंट्स के बारे में, कहीं कहीं हम उनको अंडर एस्टिमेट भी करते हैं, उनके अंदर बहुत सारी ऐसी पॉजिटिव एबिलिटीज भी होती है जिसका कि यूज खुद उनके डेवलपमेंट के लिए, और कहीं ना कहीं ओवरऑल व्यू में अगर हम लेकर के चले तो पूरी कंट्री को ही प्रोडक्टिव बनाने में उनका एक योगदान लिया जा सकता है, वो अपना योगदान दे सकते हैं। कहीं ना कहीं हम अंडर एस्टिमेट करते हुए उसको भी हम छोड़ देते हैं, तो ये हमारा जो पॉजिटिव इफेक्ट निकल करके सामने आता है वो निश्चित रूप से एक स्वागत किया जाने वाला कदम है जी। सर आगे सीबीआर के एलिमेंट्स हैं हेल्थ, हम हेल्थ का ध्यान रखते हैं, एजुकेशन, लाइवलीहुड दैट इज वोकेशनल रिहैबिलिटेशन, एम्पावरमेंट ऑफ डिसेबल्ड पर्संस एंड द फैमिली, देन सोशल इंटीग्रेशन। हेल्थ में हम प्रोमोटिव हेल्थ ध्यान देते हैं, प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव, रिहैबिलिटेटिव एंड असिस्टिव डिवाइसेस। एजुकेशन में हम लोग अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट, नॉन फॉर्मल एजुकेशन जो बच्चे को घर में माँ बाप और दादा दादी से दी जाती है या परिवार के सदस्यों से दी जाती है, उसके बाद फॉर्मल स्कूल, फॉर्मल एजुकेशन, देन हायर एजुकेशन एंड देन स्पेशल ट्रांजिटरी एजुकेशन। लाइवलीहुड में स्किल डेवलपमेंट, इनकम जेनरेटिंग एक्टिविटीज, एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज, ओपन एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन एंड स्पेशल प्रोटेक्शन। सोशल रिहैबिलिटेशन में लीगल प्रोटेक्शंस, डिसेबल्ड पीपल ऑर्गेनाइजेशंस आर देयर, देन सोशल मोबिलाइजेशन, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन। तो ये सारे एस्पेक्ट सीबीआर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देन इन एम्पावरमेंट वी टेक हेल्प ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, कल्चर एंड रिलीजन, स्पोर्ट्स एंड लेयर, रिलेशनशिप्स, मैरिज, फैमिली एंड पर्सनल असिस्टेंस। सीबीआर डिलीवरी सिस्टम, आए हम देखें कि हम इसको कैसे डिलीवर करते हैं। डिसेबल्ड पर्सन इज देयर, देन उसके परिवार से हम एक मेंबर को ट्रेन करते हैं, उसको फैमिली ट्रेनर बोलते हैं। देन कम्युनिटी वर्कर, लोकल सुपरवाइजर एंड अदर्स, एक समाज में, कम्युनिटी में भी हम एक वर्कर को ट्रेन करते हैं। देन देयर आर प्रोफेशनल्स एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, मींस जिला लेवल पे। देन पर्सनल्स इन रेफरल फैसिलिटीज, मान लिया किसी मरीज की प्रॉब्लम या डिसेबल्ड आदमी की प्रॉब्लम गांव में, टाउन में या डिस्ट्रिक्ट में नहीं सॉल्व कर पाते तो हम उसको रेफर कर देते हैं हायर सेंटर्स पे, जैसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स या मेडिकल कॉलेज एट स्टेट लेवल। नेशनल लेवल स्पेशलिस्ट फॉर सर्विसेज आर नॉट अवेलेबल एवरीवेयर। हम दोबारा आते हैं अप्रोचेस टू सर्विस डिलीवरी। सीबीआर हम कैसे डिलीवर करते हैं और कन्वेंशनल सिस्टम और सीबीआर सिस्टम में क्या फर्क है? इन कन्वेंशनल सिस्टम सप्लाई इज जेनरेटेड, इन सीबीआर needs are generated. Conventional delivered system is delivered by outsiders, while in CBR it is at multiple levels, means first family trainer, then community trainer, then district level, then national level. Conventional is single level, while CBR is at multiple levels. Centralized services in institutions or as outreach programs. In CBR, starting point in the community, referral services are seen as complementary. Then conventional single sector, CBR is multiple sector.
in conventional system there is it is separate from other community development programs, means there is no integration between human rights, poverty alleviation, while in CBR it is integrated in other community development programs also. Now what is CBR? It is a focused community development program in the field of disability prevention and rehabilitation. This approach enables community members to obtain a better understanding of disability issues so that they will or they can provide positive environments for and improve the quality of life of people with disabilities. CBR is a cost-effective way of achieving equality and full participation of people with disabilities within their own families and communities. It is a strategy within the community development for the rehabilitation, equalization of opportunities, social integration of all people with disabilities. It is implemented through combined efforts of disabled people themselves, their families and community, and the appropriate health, educational, social and vocational services. Now this strategy was developed by WHO and in 1978 after Alma-Ata declaration. Now it stated that comprehensive primary health care should include promotive, preventive, curative and rehabilitation care. Now to ensure that people with disability are able to maximize their physical and mental abilities, to have access to regular services and equal opportunities, to achieve full social integration within their communities by utilizing community resources in terms of manpower, that is adult disabled, their families and the community, material, that is local, which should be local and indigenous, and money is provided by the community, contribution of community members. CBR term is used for situations where resources of rehabilitation are available. The community health worker who had undergone training in CBR is called community rehabilitation worker. CRW identifies people with disability, provides basic information or knowledge about self-care, mobility and communication. On the social aspect, community-based rehabilitation promotes the right of PWD, that is people with disability, to live within their community, to enjoy health and well-being in the society, and to fully participate in educational, social, cultural, religious, economic and political activities. There is transfer. CBR requires upon government to transfer of knowledge about disabilities and skills in basic rehabilitation measures to persons with disability, their family and the community. Community involvement in planning, decision making and evaluation of the program. Coordinated referral services at village, block, district, provincial and institutional level for complicated problems that cannot be solved at peripheral level. These centers also provide training and supervision of personnel at all levels. It is a multi-sectoral approach to provide necessary services. There is joint planning of rehabilitation at all levels. Now, CBR has been developed to meet comprehensively the needs of those with the most prevalent disabilities in the developing countries. These are difficulty in seeing, that is visual disability, difficulty in hearing or speaking, difficulties in moving, that is locomotor or orthopedic disability, then difficulties in learning, that is mental retardation, loss of sensation, fits, strange behavior, or a combination of these disabilities. Now, how to achieve it? It provides within a phased time-bound program a well-dispersed network of comprehensive primary healthcare services. Link with rural rehabilitation centers and health education approach. Use of volunteers.
auxiliaries, paramedics, and adequately trained multi-purpose workers of various grades of skill and competence of both sex. Large-scale transfer of knowledge, simple skills, and technologies to health volunteers selected by the community. Use of simple, inexpensive interventions which could be easily implemented by persons who have undergone short periods of training. Health guides and health workers. Now, Ministry of Health and Family Welfare is there, Directorate General of Health Services. Now, then central or regional level, state level, medical colleges are there. Then at district level, there are district hospitals. In block level, there are block level. There we have MRT, that is multi rehab therapist. At PSC, that is primary health service centers level, we have MLRW. At village level, we have local supervisor and family trainer. This is the hierarchy of community-based rehabilitation. Then how to monitor at state level, district level, CSC level, PSC level, and village level? सर, इसमें जो हम मॉनिटरिंग करते हैं, वो मॉनिटरिंग किस चीज की होती है कि प्रॉपर ट्रेनिंग किस तरह से चल रही है या किस एस्पेक्ट पर? मॉनिटरिंग उस जो हमारे CBR शुरू करने से पहले कुछ एम्स होते हैं एंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, तो टाइम टू टाइम हम उनको इवेल्युएट करते हैं कि वो हमारे, क्योंकि इसमें पैसा, टाइम और ट्रेनिंग तीनों चीजें खर्च होती हैं, तो हम टाइम टू टाइम इसको इवेल्युएट करने की कोशिश करते हैं कि जो हमारे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं टाइम बाउंड, वो हम लोग मीट कर रहे हैं, डायरेक्शन में पहुंच रहे हैं या नहीं, तो उसको हम विलेज लेवल पे मॉनिटरिंग कर सकते हैं, ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कर सकते हैं और हमें करना चाहिए। Now, articulation of a need. We should allow each community to determine its priorities, कि उस कम्युनिटी की नीड्स क्या हैं, with regard to rehabilitation and social integration of persons with disabilities. Disabled people and their families should also participate in the process of identifying their priorities. हमें कोई चीज उनके ऊपर थोपनी नहीं है, उनसे ही निकलवाना है कि उनकी जरूरतें या मेन जरूरत क्या क्या है, प्रायोरिटी बेसिस पे, नेचुरल नेसेसिटी उनकी जो हो सकती है, उनकी हो सकती है, उनकी, उनको क्या क्या जरूरत है, हमें उनको उन्हीं के टर्म्स में उनकी नीड्स को पूरा करने की कोशिश करनी है CBR में. आउटसाइड द कम्युनिटी हेल्प regarding the measures for rights of persons with disability. CBR activities must be discussed with community leaders. जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है कि हमें जो लोकल लोग हैं, persons हैं, उनसे डिस्कस करना है कि उनके प्रॉब्लम्स क्या हैं और उनको, उनकी प्रायोरिटीज या नीड्स क्या हैं, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए हमें CBR को चलाने की कोशिश करनी चाहिए. Disabled people, their families and their organizations must be consulted and they should participate in this program. That is the most important and wonderful aspect of this program. Now, availability of support from outside the community in the form of government policy to promote community efforts in favor of persons with disability. Now, sustainability of CBR program ki ek sub कम्युनिटी में हमने CBR प्रोग्राम चलाया, वो आगे चल पाएगा या नहीं, ये डिपेंड करता है आर्टिकुलेशन ऑफ द नीड्स, रेस्पॉन्स फ्रॉम विद इन द कम्युनिटी इंडिकेटिंग रेडीनेस टू मीट देयर नीड. कम्युनिटी शुड कम आउट विद देयर नीड्स एंड दे शुड एक्सेप्ट द प्रोग्राम, दे शुड पार्टिसिपेट इन द प्रोग्राम, इट इज देयर प्रोग्राम फॉर देयर ओन वेलफेयर. अवेलेबिलिटी ऑफ सपोर्ट फ्रॉम आउटसाइड द कम्युनिटी इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स. If any of these factors is missing, then CBR may fail. Then CBR workers at many levels and involve lot of people in the local community. It involves head local community, religious leaders, school teachers, health workers, health centers, women's group, local social organization, and trade people. In district, it should involve district government and religious leaders, district newspaper and radio, staff from hospital, schools and NGOs, business social organization.
In the provincial level, it should include provincial or state heads and policy makers, health, involving health, labor. Then in education, it should involve social affairs, information, transportation, specialty hospitals, trade unions, and rehabilitation specialists. In that, at the national level, ministers and policymakers in health and labor, in education, social affairs, information, transportation, legal experts, television, radio, press, international help groups for people with disabilities, academics, and training programs for rehabilitation workers. यहाँ पर हमने किसी भी स्टेट में देखा कि जहाँ पर कि लोकल कम्युनिटी हो चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उस लेवल से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट पीपल होते हैं या मोस्ट इम्पोर्टेंट जो फैक्टर्स या हमारे इस टारगेट को अचीव करने में हेल्प कर सकते हैं सबको हमको साथ में लेकर के चलना होगा जी. आपने बिल्कुल ठीक कहा. जैसे एक डिसेबल्ड बच्चे की नीड है उसकी मदर आके हमें बोलती है कि हमें इसको पढ़ाना है लेकिन स्कूल वाले इसको एडमिशन नहीं कर रहे हैं तो हमें स्कूल्स में जाके प्रिंसिपल हेडमास्टर या टीचर्स से मिलना है और उनको सेंसिटाइज करना है कि इस बच्चे की जरूरत है इसको पढ़ाना और हमें उससे वैसे ही पढ़ाने की अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए जैसे हम एक नॉर्मल बच्चे को या नॉर्मल बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करते हैं क्योंकि ये उस बच्चे का अधिकार है. तो दोस्तों यहाँ पर आपने देखा कि हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर वाधवा जी हमको बता रहे हैं कि किस तरह से डिसेबल्ड फ्रेंड्स की जो अपनी नेसेसिटीज हैं उनको समझने की कोशिश हमको करनी पड़ेगी और जिस भी लेवल पर हम अपनी टेक्निक को यूज करने जा रहे हैं उस स्तर पर जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर्स जो कि कहीं ना कहीं हमारे टारगेट को अचीव करने में अपना सपोर्ट दे सकते हैं उनको हमको साथ में लेकर के चलना चाहिए जिससे कि हम अपने रियल ऑब्जेक्टिव तक पहुंच सके. अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं. ब्रेक के बाद में इस चर्चा को जारी रखेंगे. ऑटिज्म एक व्यापक विकासात्मक विकलांगता है जिसके लक्षण जीवन के प्रथम 3 वर्ष में ही दिखाई पड़ते हैं जैसे असंगत खेल असमान स्थूल